फैशन वर्ल्ड स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ब्लॉग वाला, जिसमें हम लोग सब परिवार के लोग विद फैमिली जा रहे हैं कहीं पर, तो कहाँ जा रहे हैं तो उसका ब्लॉग मैं आज बनाई हूँ। और बहुत टाइम हो गया, लेकिन फ्रेंड्स बीच में बिजी थी जिसके कारण मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, हम सब लोग आए हुए हैं विद फैमिली मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने। मेरा छोटा भाई जिसका नाम सोनू है, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने हम लोग आए हुए हैं पचमढ़ी के रेस्टोरेंट में विद फैमिली। यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोग जो है यहाँ, जैसा कि मैंने बताया गर्मी के टाइम हम लोग गए थे, तो बहुत सारे लोग इस रेस्टोरेंट में थे जो खाना भी खा रहे थे, जो टूरिस्ट भी थे। और लोकल के लोग भी यहाँ पर आते हैं जिनके ख़ास मोमेंट सेलिब्रेट करने होते हैं, जैसे बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह, तो वो यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये रेस्टोरेंट है, जहाँ पर जो है खाना या डिनर बहुत अच्छा मिलता है। साथ में यहाँ का मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ का म्यूज़िक लगा, आप भी सुनेगा तो आप भी उसके फ़ैन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं केक कटिंग की तैयारी, और केक कटिंग से पहले यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा भाई है और ये मेरी भाभी है, और बीच में मेरी प्यारी सी भतीजी वान्या है। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा है केक कटिंग से पहले, और केक कटिंग होगी अब। छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद आप लोग अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें लिंक के भेज सकते हैं, अभी जैसा भेज रहे हैं। ओके, तो किस चीज का नाम है? और किस रिक्वेस्ट के लिए थैंक यू। एक दिल है एक जान है, मैं जरूर आपको इसको भी एक बार सुनना पड़ेगा। लो तुम्हारा भी, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं केक कटिंग हो गई है, और केक कटिंग के बाद यहाँ पर सब जो है एक दूसरे को यहाँ पर केक भी खिला रहे हैं। और सबसे ज़्यादा केक किस, देखिए यहाँ पर मैं भाभी को केक खिला रही हूँ, और मैंने अपने भाई को भी केक खिला दिया है, और सबको मैं केक खिला रही हूँ। और यहाँ पर देखिए वान्या को भी मैं केक खिला रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा केक जो है वान्या को अच्छा लग रहा था, और बार बार जो है हाथ से इशारा कर रही थी कि उसको और केक खाना है। तो यहाँ पर सब लोग फ़ोटो भी ले रहे थे, लेकिन उसका ध्यान जो फ़ोटो पे बिल्कुल भी नहीं था, उसको ये था कि उसको केक खाना है। और यहाँ टेबल पर जो सारी चीज़ें उसको दिख रही थी, उसको जो है खेलने के लिए चाहिए थी। देखिए बार बार जो है इशारा कर रही है कि उसको टेबल पर जो रखा है सामान या केक रखा है उसमें से कुछ चाहिए। और यहाँ पर हम सब लोग
जैसा कि आप देख रहे हैं सबने जो है केक खिलाया, और यहाँ पर देखिए मेरे भैया जो है भाभी को भी केक खिला रहे हैं, और साथ साथ में जो है हम लोग फ़ोटो भी यहाँ पर क्लिक करते जा रहे थे केक वगैरह खिलाने की। और यहाँ पर भाभी मेरी मम्मी को खिला रही हैं, पापा को खिला रही हैं, और सभी लोगों को यहाँ पर जो है देखिए मुझे भी खिला रही हैं, और सब लोग जो है यहाँ पर केक काट रहे हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया ये पचमढ़ी का रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर इस तरीके के जब हम लोग गए थे सेलिब्रेट करने उसी समय यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बच्चों ने भी बड़ों ने भी। तो यहाँ के जो बैंड वाले हैं जो सिंगर हैं वो बहुत ही अच्छे से जो है गाना गा रहे थे, और जो है गिटार वगैरह जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट थे बहुत अच्छी तरीके से बजा रहे थे। तो मुझे यहाँ का म्यूज़िक जो बैंड है वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से गा रहे थे, और इतना अच्छा लगा कि मेरा तो मतलब मन हो रहा था जब वो कोई भी सॉन्ग गा रहे थे, चाहे वो पुराने हो, नए हो, स्लो हो, फास्ट हो, किसी भी तरीके के हों, उनका जो गाने का तरीका था और बजाने का जो तरीका था इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं तो बिना डांस किए रह नहीं पाई। और यहाँ पर सब लोग वैसे तो सुन ही रहे थे जब वो लोग गा रहे थे, लेकिन मेरा मन कर रहा था उनका जो है मुझे सॉन्ग इतना अच्छा लग रहा था उनकी आवाज़ वगैरह और उनका जो बजाने का तरीका इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो बिना डांस किए रह नहीं पाई, और मैं तो चली गई डांस करने साथ में मेरी भतीजी सुहाना और मैं, हम दोनों ने डांस शुरू कर दिया। वैसे पहले सब लोग बैठ के जो है सुन रहे थे सिर्फ उनका गाना और वीडियो बना रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने डांस शुरू किया और भी लोग आ गए, और भी लेडीज़ आ गई हम लोगों के साथ साथ डांस करने के लिए। तो क्योंकि देखिए जब आप कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं और अगर आपको डांस भी आता है तो आप बिना डांस किए हुए रह ही नहीं सकते। और मैं तो मतलब मुझे तो है कि अगर मुझे कोई म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, चाहे वो किसी की शादी में हो या इस तरीके के कोई म्यूज़िकल बैंड हो या घर में भी हो, तो मैं तो बिना डांस किए रह नहीं सकती, क्योंकि डांस जो है एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप को म्यूज़िक अच्छा लग रहा है तो आपका डांस मतलब खुद ब खुद जो है आपके पैर थिरकने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा डांस किया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया। Thank you.
बर्थडे सेलिब्रेट करते करते हमें तकरीबन 11 बज गया था, और 11 बजे रात को देखिए हम लोग लौट रहे हैं जिप्सी से अपने घर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपको ये मेरा ब्लॉग वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ आपको कटिंग स्टिचिंग के साथ साथ मेरे स्पेशल मोमेंट के ब्लॉग वीडियो भी देखने को मिलेंगे, और कोई भी कटिंग स्टिचिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। साथ ही बहुत सारे ब्लाउज़ की डिज़ाइन और ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग, स्लीव्स डिज़ाइन, ब्लाउज़ और कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहाँ जाकर सारी सिलाई कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हैं, नई नई डिज़ाइन बनाना भी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने किस तरीके से मेरे भाई का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।